वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 14, हाउ बिग हाउ हैवी। सो इन द लास्ट वीडियो वी सॉ द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 एंड नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर सॉरी क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द फॉलोइंग। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज सॉल्व द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें ढेर सारी वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई हैं, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है, हाउ मेनी क्यूब्स having side of 5 cm can be arranged in the cuboid box measuring 30 cm, 20 cm, 10 cm, ठीक है। हमें बोला है कि एक क्यूबॉइड है, ठीक है, जिसका मेजरमेंट है 30 cm, 20 cm एंड 5 cm। तो इस क्यूबॉइड के अंदर हमें क्यूब्स अरेंज करने हैं और उसका मेजरमेंट क्या है 5 cm। तो इस क्यूबॉइड के अंदर हम कितने क्यूब्स अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या है और क्यूब का वॉल्यूम क्या है। फिर हम क्यूबॉइड के वॉल्यूम को क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि हमें कितने क्यूब्स हम अरेंज कर पाएंगे क्यूबॉइड के अंदर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की फॉर्मूला क्या थी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, दिस इज़ द लेंथ, दिस इज़ द ब्रेथ एंड दिस इज़ द हाइट। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू 30 cm मल्टीप्लाई बाय 20 cm मल्टीप्लाई बाय 10 cm विच इज इक्वल्स टू 6000 cm। यानी कि जो क्यूबॉइड है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 6000 cm। देन हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। हमें क्यूब की साइड दी गई है 5 cm। अब क्यूब में क्या होता है कि हर एक साइड सेम होती है, बिकॉज क्यूब का फेस क्या होता है, स्क्वायर फेस होता है और स्क्वायर की हर एक साइड इक्वल होती है। यानी कि क्यूब जो होता है उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होती है, ठीक है। यानी कि हर एक चीज़ क्या होगी, 5 cm होगी। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट विच इज़ इक्वल्स टू 5 cm मल्टीप्लाई बाय 5 cm मल्टीप्लाई बाय 5 cm विच इज़ इक्वल्स टू 125 cm। यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया 125 cm। अब हमें फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ क्यूब वी कैन अरेंज इन दैट क्यूबॉइड। सो नंबर ऑफ क्यूब्स दैट कैन बी अरेंज्ड इन क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू 6000, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सो 6000 डिवाइडेड बाय 125, ठीक है। क्यूब का वॉल्यूम क्या है, 125, सो 6000 डिवाइडेड बाय 125। अब इसको हम कैंसिल करेंगे, हमें मिलेगा 48। यानी कि हम 48 क्यूब्स ऑफ मेजरमेंट 5 cm हम अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। कितने क्यूब्स, 48 क्यूब्स अरेंज कर सकते हैं इस क्यूबॉइड के अंदर, जिसका मेजरमेंट है 30 cm मल्टीप्लाई बाई 20 cm मल्टीप्लाई बाई 10 cm। सो आंसर इज 48 क्यूब्स। नाउ नेक्स्ट नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू इज अ कार्टन बॉक्स मेजर्स 40 cm, 20 cm, 10 cm। एक कार्टन बॉक्स है, ठीक है, उसका मेजरमेंट क्या है, 40 cm, 20 cm, 10 cm। इट मीन्स इट इज़ अ क्यूबॉइड, ठीक है, क्योंकि लेंथ ब्रेथ और हाइट डिफरेंट है। यानी कि ये क्या है, एक क्यूबॉइड है। हाउ मेनी सोप्स मेजरिंग 8 cm, 4 cm, 2 cm कैन बी अरेंज्ड इन दिस बॉक्स। अब हमें ये फाइंड आउट करना है, हमें इस कार्टन के अंदर सोप्स अरेंज करने हैं और सोप का मेजरमेंट है 8 cm मल्टीप्लाई बाई 4 cm मल्टीप्लाई बाई 2 cm, ठीक है। तो अगेन हमें इट इज़ सेम एज क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। हमें क्यूबॉइड दिया है और सोप भी अगेन हमें एक क्यूबॉइड ही दिया है, ठीक है। तीनों मेजरमेंट्स अलग है, लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है, तीनों डिफरेंट है। इट मीन्स सोप जो है वो क्या है, क्यूबॉइड शेप में है, ठीक है। तो हम दोनों का क्या फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे एंड देन डिवीजन करेंगे। तो हमें मिलेगा हम कितने सोप्स अरेंज कर सकते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ कार्टन बॉक्स, कार्टन बॉक्स का वॉल्यूम क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, सो 40 cm मल्टीप्लाई बाय 20 cm मल्टीप्लाई बाय 10 cm। सो वॉल्यूम ऑफ कार्टन इज 8000 cm। नाउ वॉल्यूम ऑफ सोप, वॉल्यूम ऑफ सोप कैसे फाइंड आउट करेंगे, 8 cm मल्टीप्लाई बाय 4 cm मल्टीप्लाई बाय 2 cm। सो 8 4 32, 32 मल्टीप्लाई बाई 2 64, ठीक है। यानी कि सोप का जो वॉल्यूम है वो है 64 cm। अब हमें फाइंड आउट करना है कि हम कितने सोप्स अरेंज कर सकते हैं इस कार्टन के अंदर। सो नंबर ऑफ सोप्स दैट कैन बी अरेंज इन दिस बॉक्स इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कार्टन बॉक्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोप। सो 8000 डिवाइडेड बाई 64, ठीक है। इसका हम कैंसिलेशन करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। 8000 को आपको 64 से डिवाइड कर लेना है, ठीक है, आपको मिलेगा 125। यानी कि हम ये जो कार्टन बॉक्स है इसके अंदर कितने सोप्स अरेंज कर सकते हैं, 125 सोप्स अरेंज कर सकते हैं। नाउ नंबर थ्री,
A box measures 30 cm, 15 cm, 30 cm by 15 cm by 10 cm. ठीक है, अगेन एक हमें बॉक्स दिया गया है विच इज़ अ क्यूबॉइड, बिकॉज लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों डिफरेंट है. ठीक है, क्या है? क्यूबॉइड है. हाउ मेनी टायर्स हैविंग लेंथ ऑफ 10 cm, ब्रेथ 9 cm एंड हाइट 2 cm कैन बी अरेंज्ड इन दिस बॉक्स. अब हमें ये बताना है कि हम इस बॉक्स के अंदर कितनी टाइल्स अरेंज कर सकते हैं जिसका लेंथ 10 cm है, ब्रेथ 9 cm है और हाइट 2 cm है. अगेन हम बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, टाइल्स का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे एंड डिविजन करेंगे. सो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स फाइंड आउट करने के लिए हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे 30 cm मल्टीप्लाई बाई 15 cm मल्टीप्लाई बाई 10 cm विच इज़ इक्वल्स टू 4500 cubic cm. देन वॉल्यूम ऑफ टाइल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेंथ हमें गिवन है 10 cm, ब्रेथ 9 cm, हाइट 2 cm. सो लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाई हाइट. सो 10 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 2. 10 9 ज़ा 90, 90 2 ज़ा 180. सो टाइल्स का वॉल्यूम हो गया 180 cubic cm. अब हम फाइंड आउट करते हैं कि कितनी टाइल्स हम अरेंज कर पाएंगे. सो नंबर ऑफ टाइल्स दैट कैन बी अरेंज्ड इन दिस बॉक्स इज इक्वल्स टू, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स? वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज 4500 एंड वॉल्यूम ऑफ टाइल्स इज 180. सो 4500 डिवाइडेड बाई 180. अब आपको इसको डिवाइड कर लेना है, यू विल गेट 25. यानी कि हम 25 टाइल्स इस बॉक्स में अरेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट नंबर 4. नंबर 4 इज अ क्यूबॉइड टैंक मेजर्स 15 cm, 10 cm, 40 cm. एक क्यूबॉइड टैंक है, ठीक है, जिसका मेजरमेंट क्या है? 15 cm बाई 10 cm बाई 40 cm. ठीक है, इट मीन्स ऑल्सो अ क्यूबॉइड. द टैंक इज फुल ऑफ मिल्क. अब वो टैंक किससे फिल है? मिल्क से फिल है. हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क इज देयर इन दिस टैंक? अब हमें ये बताना है कि इस टैंक के अंदर कितना मिल्क फिल्ड है. हमें यहाँ पे एक हिंट दिया हुआ है, 1000 ml इज इक्वल्स टू 1 liter. ठीक है, तो इस टैंक के अंदर कितना मिल्क है ये फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि स्पेस ऑक्यूबाइड बाय अ शेप इज इट्स वॉल्यूम. ठीक है, तो हम क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड टैंक इज इक्वल्स टू 15 cm मल्टीप्लाई बाई 10 cm मल्टीप्लाई बाई 40 cm विच इज इक्वल्स टू 6000 cubic cm. यानी कि इस टैंक का जो मेजरमेंट है, इस टैंक का जो वॉल्यूम है वो है 6000 cubic cm. यानी कि इस टैंक के अंदर हम 6000 ml मिल्क फिल कर सकते हैं. अब 6000 ml को हमें लीटर्स में कन्वर्ट कर देना है. सो 6000 डिवाइडेड बाई 1000. वाई 1000? बिकॉज 1 liter इज इक्वल्स टू 1000 ml. सो 6000 डिवाइडेड बाई 1000. ठीक है, जीरोस कैंसिल कर देंगे हम. 6 by 1 मीन 6 liters. यानी कि इस टैंक के अंदर 6 liters मिल्क हम फिल कर सकते हैं. देयरफॉर 6 liter ऑफ मिल्क इज देयर इन दिस टैंक. सो इस वीडियो में इतना ही. क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे. If you have any doubt, query or suggestion, let me know in the comment section. I will see you in the next video with the next part of this chapter. Till then, bye-bye. Take care.